वर्ष 2023 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। अगर सारे किसान मिलकर गेहूं चावल को छोड़ के इनको उगाएं, तो हजारों करोड़ का तो भारत का खर्चा बच जाए दवाइयों का। आप गेहूं खा के 2 घंटे बाद शुगर चेक कराते हो, बढ़ी हुई आती है ना कई बार, आप ये चेक कराओगे खा के तो नहीं बढ़ी हुई आएगी। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं। और अनुभव यह आया है, इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराण नुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। ये मिलेट्स की 5 कटोरियां जाते टाइम देख लेना, बताओ 5ों के नाम। इसको हम कोदो बोलते हैं, कोदरा मिलेट है ये, जिसके कोदो यानी कि कोदरा, और फिर एक है लिटिल मिलेट है सर, लिटिल मिलेट, इसको क्या बोलते हैं, कुटकी। ये बर्नयार्ड है, इसको स्वांक बोलते हैं। स्वांक खाई थी ना व्रतों में, स्वांक वो मिलेट्स में काउंट होती है। गेहूं चावल भी मिलेट्स हैं, लेकिन ये नेगेटिव मिलेट्स हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव मिलेट्स की। ये ब्राउन टॉप है, इसको हम हरी कंगनी बोलते हैं, और फॉक्सटेल इसको कंगनी बोलते हैं। कंगनी, हरी कंगनी, ये सारे मिलेट्स हैं, ये पॉजिटिव मिलेट्स हैं। पॉजिटिव मिलेट का मतलब इनमें खास खास गुण क्या है, जो गेहूं है उसमें 1.2% फाइबर होता है। कितना? 1.2%, मतलब 1% मान लो फाइबर होता है। चावल में 0.2% फाइबर होता है, और इन सब में 9% से ऊपर फाइबर है, 9 से ऊपर। और ये सारे अनाज पानी भी कम लेते हैं, इनमें पेस्टिसाइड की जरूरत भी नहीं होती, और अपने आप उगते हैं, और खर्चा भी कम कराते हैं। हमारे देश की जरूरत है ये आज की डेट में। अगर सारे किसान मिलकर गेहूं चावल को छोड़ के इनको उगाएं, तो हजारों करोड़ का तो भारत का खर्चा बच जाए दवाइयों का। ये इतने अच्छी चीज़ है। एक सबसे बड़ी खास बात, जब आप गेहूं चावल खाते हो तो बॉडी में इमीडिएटली शुगर का ब्लास्ट होता है, शुगर बढ़ती है बॉडी में, शुगर ब्लड में, क्योंकि वो इमीडिएटली ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज कर देते हैं। इनमें इन मिलेट्स की खासियत क्या होती है, ये पूरा दिन धीरे धीरे रिलीज करते हैं, धीरे धीरे। आप गेहूं खा के 2 घंटे बाद शुगर चेक कराते हो, बढ़ी हुई आती है ना कई बार, आप ये चेक कराओगे खा के तो नहीं बढ़ी हुई आएगी, क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे दिन में एक जैसा रिलीज करते हैं। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की रचना है वो स्पाइरल शेप में है, लेकिन गेहूं चावल में क्या है, स्ट्रेट है, वो सीधा ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। दूसरी बात, आप सब लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव जी को तो सुना ही है ना। गुरु नानक देव जी के वृतांत में जब उन्होंने भागों के हाथ की रोटी खाई थी मर्दाने के साथ, तो कोदरे की रोटी खाई थी, वो कोदरा इसमें है, कहीं नहीं लिखा हुआ गेहूं की रोटी खाई थी।
कहीं नहीं लिखा हुआ चावल खाए थे, क्या लिखा हुआ है? कोदरा, और कोदरा उसमें मिलेट्स है। तो ये सारे हमारे पुराने अनाज हैं जो हमारे पूर्वजों ने बताने आपको छोड़ गए। पहले आप लोग पूरा साल कभी गेहूं नहीं खाते थे, आप याद करो, अपने घर में कोई बुजुर्ग है पूछो, पहले पूरा साल गेहूं नहीं खाते थे आप, गेहूं को लाते थे ड्रम में भरते थे, उसको पुराना करते थे, जितना चाहिए होता था एक हफ्ते का निकालते थे, उसको भिगो के रखते थे, धोते थे, सुखाते थे, फिर एक हफ्ते का पिसवाते थे, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा फिर पिसवाते थे, ऐसे ही। आजकल क्या हो रहा है? तो गलती हम सब की है, हमारा खाना बिगड़ गया। तो बदले में क्या मिलेगा अपने को? शरीर बिगड़ गया। तो आपको एक चीज तो बताई है कि 70% एनर्जी को तो भोजन चाहिए ही नहीं, धूप, हवा, पानी और आपके रिश्ते और आपका दिमाग और आपकी एनर्जीज, तो 70% तो यही है, 30% ही भोजन है ना।